सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं सुरजीत आपका दोस्त, आपका साथी फिर से स्वागत करते हैं शिवम इलेक्ट्रिक में। आज मैं आप लोगों को CRI का मोनोब्लॉक पंप रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे और इसका डेटा भी शेयर कर देंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए फुल वीडियो देखते रहिए। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये हाफ हॉर्स पावर CRI पंप है। इसका RPM है 2800। इसका कोर लेंथ है 45 mm और इसमें स्लॉट से 24 और ये 12.5 कैपेसिटर से चलेगा। और इसका मॉडल नंबर है XI50। आप लोग अगर XI51 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले मैं रनिंग कॉइल को तैयार कर लेते हैं। ये जो रनिंग कॉइल है, ये 4 कॉइल होंगे पार बैच में और ये बैठेगा 6, 8, 10, 12 स्लॉट्स में। और इसमें जो 4 कॉइल है, इसका टर्न्स दिया गया है 93 करके और इसका पार बैच का वेट है 157 ग्राम करके और इसमें 26 नंबर वायर का गेज दिया गया है। देखिए, चारों कॉइल तैयार हो गया है। ऐसे करके मैं दूसरा साइड भी कॉइल तैयार कर लेते हैं। देखिए, रनिंग कॉइल बन के तैयार हो गया है। अब इसको बैठाने की बारी है। ये जो पहला कॉइल है, ये 6 घाट में बैठ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, 6, 8, 10 तीनों कॉइल बैठ गया है। अब लास्ट कॉइल बैठ रहा है 12 घाट में। आप लोग देखते रहिए कैसे बैठते हैं।
देखिए, एक साइड का कॉइल बैठ के तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा साइड का रनिंग कॉइल भी जल्द से जल्द बैठा लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों को अगर और भी मोटर का वीडियो देखना है और वाटर पंप का वीडियो देखना है तो मेरा चैनल पर विजिट कीजिए और उसके प्लेलिस्ट के जाइए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, दूसरा साइड का रनिंग कॉइल भी बैठ कर तैयार हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग कॉइल को तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये जो स्टार्टिंग कॉइल हो रहा है, ये दो कॉइल करके होंगे पार बैच में और ये 10-12 स्लॉट्स में बैठेगा। और इसमें जो टर्न्स दिया गया है, 150 करके दोनों कॉइल का टर्न्स दिया गया है और इसका पार बैच का वेट होंगे 94 ग्राम करके। और इसका जो गेज दिया गया है, 28 नंबर वायर का गेज दिया गया है। आप लोग अगर मेरे इस वाले मशीन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग कॉइल बन के तैयार हो गया है। अब इसको बैठने की बारी है। ये जो पहला कॉइल बैठ रहा है, ये 10 स्लॉट्स में बैठ रहा है और दूसरा कॉइल 12 स्लॉट्स में बैठेगा। आप लोग देखते रहिए कैसे बैठते हैं।
देखिए एक साइड का कॉइल बैठ के तैयार हो गया है, अब मैं दूसरा साइड का कॉइल भी जल्द से जल्द बैठा लेते हैं। इस चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ जीवन इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए अब स्टार्टिंग कॉइल भी बैठ के तैयार हो गया है, अब मैं लीड की उल्टी तरफ इसको मिलिंग स्ट्रिपर से सेपरेट करके इसको धागे से बांध लेंगे। देखिए अब मैं लीडो को ज्वाइन कर लिया है, अब इसको स्पॉट वेल्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसको भी धागों से बांध लेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।